बच्चों देखो बच्चों, हेलो बच्चों बोलने वाला काम क्योंकि अरमान के पास है और वो अपना काम कर चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखो, fx इज इक्वल टू 3, 4, 5 इफ एक्स इज लेस देन 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एक्स देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन की डेफिनेशन कैसे दी है। एक बात तो इस क्वेश्चन में क्या नई है बताओ जरा। पिछले जो क्वेश्चन थे उनका डोमेन क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है वो है फॉर 0 to 1, एफ फॉर एक्स 0 to 1, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 1 से 3 और यहाँ पर है 3 to 10। मतलब ओवरऑल एक्स की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 10 पे एंड हो रही है। यानी कि ये फंक्शन जो हमारा है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से 10 तक, राइट। इस फंक्शन का जो डोमेन, जिस डोमेन पे ये दिया हुआ है हमें, वो डोमेन हमें दिया हुआ है 0 to 10, राइट। अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 0 से 1 के बीच में जो पॉइंट्स, 0 इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर एक्स 0 के इक्वल है और 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि क्लोज इंटरवल 0 to 1 इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3, करेक्ट। उससे आगे चलें हम, उससे आगे चलें, नेक्स्ट इंटरवल हमें दिया है 1 से 3, इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। क्या नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 to 3, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 से 3 के बीच में दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। और इन इनके लिए, इन पॉइंट्स के लिए एक्स अगर इनके बीच में लाई करता है ओपन इंटरवल 1 to 3, तो जो एफ एक्स की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, वो हमें दी हुई है 4, राइट। एंड नेक्स्ट 3 to 10 के बीच के जो पॉइंट्स हैं उसके लिए जो हमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 4, राइट। ये हमें इस टाइप से फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। फाइव क्या बेटा, 5, सॉरी 4 नहीं, अभी 5 है, ठीक है अरमान, लाइक दिस। अब आप ध्यान से देखो, हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हमारा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, 0 to 10 क्लोज इंटरवल, 0 to 10 क्लोज इंटरवल। तो हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी भी इसी इंटरवल पे डिफाइन करनी है, करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो 1 पे चेंज कर रहा है, तो हम पहले 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे इसकी। एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो वो क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस, मतलब एक्स 1 से क्या है, छोटा है। एक्स अगर 1 से छोटा है, देखो ध्यान से, एक्स अगर 1 से छोटा है यानी कि 0 और 1 के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है बच्चों 3, राइट। और मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा, राइट। अगर हम 1 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहें, 1 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहें तो क्या होगी लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, यानी कि अब की बार एक्स 1 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। एक्स 1 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। एक्स अगर 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो एक्स 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। एक्स अगर 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है सो एक्स विल बी ग्रेटर देन 1, एक्स विल बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है बच्चों एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, थोड़ा सा बड़ा। अब वो एक्स 1 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ 1 से, तो एक्स 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगा। और अगर स्लाइटली ग्रेटर है तो एक बात बताओ, एक्स 1 और 3 के बीच में होगा,
If x is slightly greater than 1, then x will be in between 1 and 3. अगर x 1 और 3 के बीच में है तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? फंक्शन की वैल्यू होगी 4. सो यहाँ पर जहाँ फंक्शन की वैल्यू लिखनी होती है वहाँ हम लिखेंगे 4. और मैं बता चुका हूँ आपको कॉन्स्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कॉन्स्टेंट नंबर ही रहती है, क्योंकि इसमें हम x को 1 डालेंगे, 1 डालने के लिए x इसमें है ही, राइट? तो क्या आएगा बच्चों ये 4. अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, 3 आई है, राइट हैंड लिमिट 4 आई है, ठीक है? सो ऑब्वियसली बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है? देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. जब लेफ्ट लिमिट्स इक्वल नहीं होती, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, कौन सी लिमिट? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. बच्चों ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन की कंटिन्यूस होने की कंडीशन क्या होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट, कहाँ पर बताओ, कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं? वन पे. एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1. चलें इससे आगे. नेक्स्ट इज अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों कहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कहाँ पर चेंज कर रहा है, देखो जरा. 1 से पहले डेफिनेशन कहाँ पर चेंज की, फंक्शन ने 1 पे, अब 3 पे चेंज करेगा. 1 से 3 तक तो सेम डेफिनेशन है फंक्शन की, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो क्या होगा, 3. एट एक्स इज इक्वल टू 3 भी आप सेम टाइप से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x, 3 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, सो x विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन 3. x क्या होगा, 3 से छोटा होगा, छोटा होगा मतलब 1 और 3 के बीच में होगा, और अगर फंक्शन 1 और 3 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4, राइट? और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट ही रहेगी, सो ये 4 आ जाएगा, ठीक है? अब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करो. राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, 3 से, तो 3 को राइट से अप्रोच कर रहा है, राइट से अप्रोच कर रहा है तो एक्स 3 से क्या होगा, ग्रेटर होगा. एक्स अगर 3 से ग्रेटर है बच्चों, इट मीन्स 3 से स्लाइटली ग्रेटर है, स्लाइटली ग्रेटर है तो एक्स कहाँ पर होगा, 3 और 10 के बीच. एक्स अगर 3 और 10 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, 5. तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 5. समझ आए? नाउ अगेन LHL इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. LHL RHL के इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, सॉरी 3, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? क्लियर है ये चीज? राइट. चलो आगे देखो जरा, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और फंक्शन का, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट
एक्स इज इक्वल टू थ्री, फंक्शन थ्री पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड था? हमारा फंक्शन डिफाइंड था थ्री टू सॉरी वन जीरो टू टेन के बीच पर, दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, टेन भी इंक्लूडेड है और जीरो भी इंक्लूडेड, राइट। उसके बाद इंटरवल्स में सेपरेट किया हुआ था, फर्स्ट जो इंटरवल था वो जीरो से वन था, सेकेंड वन से थ्री था और आगे वाला थ्री टू टेन था। हमने इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया है, इन दोनों पॉइंट्स पे हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास कौन से पॉइंट्स बचे, एक तो ये जीरो से वन के बीच का जो इंटरवल है ये बचा हुआ है, वन से टेन के थ्री के बीच का इंटरवल बचा हुआ है और थ्री से टेन के बीच का इंटरवल बचा हुआ है डिस्कस कर लिया। और इन देखो बच्चों, इस बीच के इंटरवल में हर जगह फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। इस इंटरवल में जीरो से वन के बीच में भी फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कितनी है, थ्री है। वन से थ्री के बीच में भी फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कितनी है, फोर है। और इसके बीच में फाइव है, ठीक है। तीनों इंटरवल्स में फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, फोर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन ओपन फर्स्ट वाला इंटरवल, सेकेंड देखो मैं बताऊंगा वन पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, वन पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बचा क्या है, वन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऐसे ही वन से थ्री के, थ्री पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वन पे डिस्कस हो गया, थ्री पे डिस्कस हो गया, पोर्शन कौन सा बचा, वन और थ्री के बीच का, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग टू वन टू थ्री एंड एक्स बिलोंगिंग टू थ्री टू टेन ओपन इंटरवल, ठीक है। इन तीनों इंटरवल के बीच में एफ एक्स एज मैं बताता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। अभी हम आप ये समझो कि जस्ट इनके बीच बीच में डिस्कस कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनके बीच के इंटरवल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। एफ एक्स हैज रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट वैल्यूज, मतलब उनके जैसे फर्स्ट इंटरवल में कितनी वैल्यू है, थ्री, सेकेंड में फोर एंड नेक्स्ट में फाइव, रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट वैल्यूज, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, एंड कॉन्स्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों इंटरवल्स के बीच में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब दो वैल्यूज रहेगी हमारे पास, कौन कौन सी, जीरो एंड टेन, जीरो एंड टेन, यहाँ पर हमने डिस्कस अभी नहीं किया है, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखिए, जीरो और टेन पे, जीरो टेन पे क्या केस है बच्चों, बच्चों जीरो की, जीरो के ऊपर फंक्शन डेफिनेशन हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, फंक्शन के डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। जीरो के लेफ्ट साइड में तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो LHL तो जीरो पे हम बता ही नहीं सकते, फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जीरो से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की कोई वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम जीरो के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू इसकी लिमिट डिस्कस नहीं कर सकते, कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। जीरो के ऊपर बच्चों, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एट जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। और जीरो पे आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, एक्स जीरो को कहाँ से अप्रोच करेगा, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा एक्स जीरो को, एक्स जीरो को कहाँ से अप्रोच करेगा, राइट हैंड साइड से, तो जीरो से क्या होगा, बड़ा, जीरो से बड़ा होगा, यानी कि जीरो और वन के बीच में होगा। सो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री। और ये क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, थ्री। अब आप देखो, मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पर, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, थ्री है। अब आप देखो, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यानी कि जीरो पे फंक्शन राइट कंटिन्यूस है, जीरो पे फंक्शन राइट कंटिन्यूस है, लेफ्ट कंटिन्यूटी का हमें कुछ नहीं पता। देयरफोर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूस, एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूस,
राइट कंटिन्यूस। जीरो पे फंक्शन कैसा है? राइट कंटिन्यूस है। एंड बच्चों इसी टाइप से अगर आप डिस्कस करते हैं, राइट इसी टाइप से डिस्कस करते हैं आप कहाँ पर, टेन के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू टेन, टेन पे देखो, टेन पे फंक्शन की क्या दी हुई है, सिर्फ लेफ्ट साइड की वैल्यूज दी हुई है, राइट साइड में फंक्शन हमें नहीं पता कि राइट और राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू टेन फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ टेन क्या है, देखो एफ टेन एक्स, एक्स इज इक्वल टू अगर टेन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फाइव, फंक्शन की वैल्यू क्या है, फाइव। लेकिन अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो वो क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टेन माइनस, एक्स टेन को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर x 10 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ गई, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई तो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 10 क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूस है। तो राइट का हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 10 एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूस, लेफ्ट कंटिन्यूस, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूस, समझ रहे। हालांकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसमें वो आपसे पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी पूछेगी कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 3, ठीक है। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर पूछ लिया जाए कि जीरो पे और टेन पे डिस्कस करो तो फिर आपको वो सारा लिखना है। यहाँ तो हम एक इस क्वेश्चन के पूरी कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, एग्जाम में इनमें से किसी एक पार्ट या दो पार्ट का पूछेंगे कि वन, और मेनली उसमें होता है कि 1 और 3 पे पूछेंगे, और 0 10 का यूजली नहीं पूछेंगे। और 0 और 10 का अगर पूछेंगे अलग से तो वो एक 1 मार्कर छोटा क्वेश्चन होगा कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, लेफ्ट कंटिन्यूस है, राइट कंटिन्यूस है। तो वो उसमें आपको सिर्फ वहाँ पर ये क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स में आएगा, लाइक मतलब आपको सिर्फ ये वाला पार्ट ही पूछा जाए, सिर्फ मतलब 3 वाला पार्ट ही पूछा जाए, है ना, ऐसे ये इस टाइप से, या सिर्फ नीचे वाली लाइन थोड़ी गलत हो गई, या सिर्फ आपसे 5 वाला पूछा जाए, या 1 और ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो 1 और 3 वाले पूछे जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। समझ आया फिर ये क्वेश्चन, चले आगे। देखो 17 क्वेश्चन क्या है, बीच वाले क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं वो आप लोगों को करने हैं, बिल्कुल उसी टाइप से होंगे जो हमने 14 क्वेश्चन किया है। यहाँ पर हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, राइट। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला गया है, क्या करने के लिए बोला गया है। Find the relationship between a and b if this function is continuous at x is equal to 3. Already ये function हमें continuous given है, क्या given है, fx is continuous, fx 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 is continuous एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमें ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है, क्या करेंगे। सो बच्चों एट, अच्छा ये बताओ एफ एक्स पे फंक्शन कंटिन्यूस, फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस दिया हुआ है तो एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से समझो, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 3, ऑल द 3 क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऑल 3 इक्वल होनी चाहिए। सो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम इसमें कि एट 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, इक्वल है। सो एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3, देखो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, बताओ जरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस, x 3 को कहाँ से अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, और x अगर 3 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा बच्चों
तो x की वैल्यू 3 से क्या होगी, लेस। x की वैल्यू 3 से क्या होगी, लेस। और इफ x इज लेस देन 3, वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, के एक्स प्लस बी। एक्स अगर 3 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है, राइट, तो x क्या होगा, स्मॉलर देन। एंड x अगर स्मॉलर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, के एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम लिखेंगे के एक्स प्लस 1। अब इसमें आप x को 3 डाल दोगे तो क्या आएगा, 3a प्लस। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 3a प्लस 1। अगर आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। x अप्रोचेस टू 3 प्लस, x इसको कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। x इसको अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो, राइट हैंड साइड से बच्चों x 3 को अप्रोच करेगा तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 3। x क्या होगा, ग्रेटर देन 3। x अगर 3 से बड़ा है, x अगर 3 से बड़ा है तो बच्चों देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, बी एक्स प्लस 3। क्या लिखेंगे इसमें यहाँ पर, बी एक्स प्लस 3, करेक्ट, ठीक है। x को इसमें आप 3 डालो तो कितना आ गया, 3b प्लस 3 आ गया, 3b प्लस 3 आ गया। अब एक बात बताओ, क्योंकि फंक्शन हमें ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, राइट। क्या लिखेंगे, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस, x is equal to 3, therefore left hand limit must equal to right hand limit। function क्योंकि already continuous हमें दिया हुआ है तो definitely left hand limit right hand limit के equal होगी। so हमारी जो left hand limit और right hand limit आई है हम उनको equate कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा left hand limit हमारी क्या आई है, 3a plus 1। right hand limit हमारी क्या है, देखो जरा, 3b plus 3b plus 3। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। बच्चों यहाँ से आपके पास क्या रिलेशन आया, 3a is equal to 3b plus 2। a और b में ये रिलेशन आपके पास आ गया, ठीक है, वो कर लेंगे आप। लिखा व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। हाँ, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है उसको बाद में करेंगे, पहले हम लैम्डा फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, ऑलरेडी ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, कहाँ पर, जीरो पे कंटिन्यूस दिया हुआ है। सो एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिखी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर एक्स जीरो को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। एक्स जीरो को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन 0। एंड एक्स अगर स्मॉलर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ठीक है। डालो इसमें x को 0 तो लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 0 माइनस 0, 0 ही आ गई। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई बच्चों, 0। और राइट हैंड लिमिट बताओ क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, x अप्रोचेस टू 0 प्लस। सो क्या वैल्यू रखेंगे, x 0 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से, तो x 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। x अगर 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1। तो x को 0 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, समझ आए,
अब ध्यान से देखो, हमें लैम्डा फाइंड करना है। फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। सॉरी कंटिन्यूस दिया नहीं, ध्यान से पढ़ो दोबारा, क्वेश्चन को हमने कुछ गलत रीड कर दिया। इन्होंने पूछा था कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ था, इन्होंने ये पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट जीरो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट जीरो, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस होगा ये दिया। देखो बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, बट क्या कभी जीरो और वन इक्वल हो सकते हैं? जीरो और वन तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। यहाँ पर हम लैम्डा को जो मर्जी रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है तो वो नहीं बदलेगी कभी भी, राइट हैंड लिमिट भी इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखने से वो भी नहीं बदलेगी। ये बदलती कब? अगर इनकी इनके अंदर लैम्डा आता, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की हमने, उसकी जो वैल्यू आती वो लैम्डा के टर्म में आती, राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड की या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लैम्डा के टर्म में आती या राइट हैंड लिमिट लैम्डा के टर्म में आती या दोनों लिमिट लैम्डा के टर्म में आती, तब हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों लिमिट हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा आ गई, लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करती हो, इसलिए लैम्डा की चाहे कुछ भी वैल्यू हो वो सेम ही रहेंगी, जीरो और वन ही रहेंगी, बट जीरो और वन तो कभी कुल हो ही नहीं सकते, राइट? सो ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा, लैम्डा की हम कुछ भी वैल्यू हो। सो क्या कहेंगे? एज लेफ्ट हैंड लिमिट, एज लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नेवर बी, कैन नेवर बी इक्वल टू, कैन नेवर बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि जीरो और वन कभी बराबर हो ही नहीं सकते। दिस इंप्लाइज, अच्छा जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए पहले लिमिट को एग्जिस्ट करना जरूरी है, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। एज एफ एक्स, दिस इंप्लाइज एफ एक्स कैन नेवर कंटिन्यूस, नेवर बी कंटिन्यूस वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू होगी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, समझ आया आपको? अब इन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू वन, व्हाट अबाउट एक्स इज इक्वल टू वन, चले भी आगे चले। एट एक्स इज इक्वल टू वन आपने कुछ किया बताओ जरा। अच्छा एक काम करो, एट एक्स इज इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ मुझे क्या होगी, क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, यही लिखेंगे। एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, एक्स वन को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड वन से, सॉरी एक्स वन को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं एक्स वन को, तो एक्स वन से क्या होगा भाई? छोटू होगा, ठीक है, एक्स वन से स्मॉलर होगा। अगर एक्स वन से स्मॉलर है, इसका क्या मीनिंग है? एक्स कहाँ लाई करेगा? एक्स वन से स्मॉलर है, इसका मीनिंग होता है वन से स्लाइटली छोटा, डेसिमल्स में छोटा, बहुत छोटे डेसिमल्स में छोटा, समझे? अगर एक्स वन से स्लाइटली छोटा है फिर भी एक्स जीरो से तो बड़ा ही होगा, और हमें ये दिया हुआ है कि अगर एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फॉर एक्स प्लस वन, राइट? हमें ये गिवन है कि एक्स अगर जीरो से ग्रेटर है, एक्स अगर जीरो से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई? सर अगर जीरो से छोटा आ गया तो वो तो वन से भी छोटे में लाई करेगा। एक मिनट, एक्स वन से छोटा है, वन से छोटे होने का मतलब है एक्स वन से स्लाइटली छोटा है, स्लाइटली छोटा है तो एक्स यहाँ कहीं होगा नियर टू वन, नियर टू वन, तो जीरो से तो बड़ा हुआ ना एक्स, एक्स वन को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एक्स जीरो वन से स्लाइटली छोटा है,
एक्स वन से स्लाइटली छोटा है, इसका मतलब जीरो से तो बड़ा ही है, वन से स्लाइटली छोटा है, डेसिमल्स में छोटा। अप्रोच करने का मीनिंग यही होता है कि वेरी नियर टू वन, वेरी नियर टू वन, डेसिमल्स में बहुत नजदीक, एक्स वन के बहुत नजदीक है। एक्स वन के क्या है, बहुत नजदीक, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना नजदीक, और उसकी वैल्यू वो एक्स वन के और नजदीक जा रही है। अप्रोच का मतलब ये होता है, ठीक है। सो एक्स अगर वन से इतना छोटा है, बहुत डेसिमल्स में छोटा है, मतलब नियर बाई वन है, एक्स क्या है, इट मीन्स एक्स इज लाइक 0.99, एक्स की वैल्यू जैसी है, तुम ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई में, एक्स वन के बहुत नजदीक है, और एक्स वन के बहुत नजदीक है इट मीन्स जीरो से तो वो बड़ा ही है, एक्स वन से तो फिर भी काफी बड़ा है, सॉरी जीरो से तो फिर भी काफी बड़ा है। एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फोर एक्स वन प्लस वन, तो आप यहाँ रखेंगे फोर एक्स प्लस वन। एक्स को अगर आप वन डालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइव, समझ आया? यस, एक्स को अगर आप वन डालेंगे तो क्या आएगा, फाइव इसकी वैल्यू होगा। विष्णु आर एच एल कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, एक्स वन को कहाँ से अप्रोच करेगा, वन के राइट, इस बार x 1 से बड़ा है, x क्या है 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा है तो 0 से भी तो बड़ा होगा, x 1 से बड़ा है तो 0 से तो फिर पक्का बड़ा होगा। सो एफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, 4x प्लस 1, ऐसे वैल्यू 5। फंक्शन की वैल्यू अगर हम 1 के ऊपर देखें, 1 पे फंक्शन की वैल्यू कौन बताएगा, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, जीरो से बड़े सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फोर एक्स प्लस वन, जीरो से ग्रेटर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फोर एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, फोर एक्स प्लस वन, राइट, लेकिन एक्स को तो हम वन डाल चुके हैं, एक्स को हम क्या डाल चुके हैं, वन, तो यहाँ आएगा फोर इंटू वन, दिस इज ऑल्सो फाइव। देखो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सभी इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पर, कहाँ पर, वन पे। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता, वन एट एक्स इज इक्वल टू वन, वन पे इसकी कंटिन्यूटी लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करती है, राइट, सो फिर लैम्डा कुछ भी हो ये तो कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए वन वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा को हम कुछ भी ले सकते हैं, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पे लैम्डा का कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो जीरो पे ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, लैम्डा कुछ भी हो, वन पे ये कंटिन्यूस रहेगा, लैम्डा कुछ भी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले हम ये कर रहे हैं बच्चों 26 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी टाइप के हैं जो हम कर रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं 26 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये मतलब किसी ना किसी पेपर में तो तुम्हारे आ ही जाएगा। देखो जरा क्या गिवन है हमें, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स एंड थ्री, ये कब है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स अगर पाई बाई टू के इक्वल नहीं है, एंड एक्स अगर पाई बाई टू के इक्वल है तो फंक्शन की ये वैल्यू है, एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू पे ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, पाई बाई टू पे ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बताओ जरा, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू
स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। बच्चों बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू माइनस, ठीक है बच्चों, पाई बाई टू पे एक्स पाई बाई टू का अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब एक्स पाई बाई टू से क्या है छोटू, एक्स पाई बाई टू से छोटू है, एक्स अगर पाई बाई टू से स्मॉलर है सो एक बात बताओ फिर एक्स, इसका मतलब एक्स पाई बाई टू के इक्वल तो नहीं है ना, और जब एक्स पाई बाई टू के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? दिस, देखो एक्स अगर पाई बाई टू के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। सो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। एंड बच्चों अब तक का अपने टाइप का ये पहला क्वेश्चन आया है कि अगर आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, क्या बन जाएगा जीरो अपॉन जीरो। अगर इसमें आप x के जगह पाई बाई टू पुट कर देंगे तो ये फंक्शन जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली पाई बाई टू नहीं डाल सकते, पाई बाई टू डालते ही ये जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, जो हम लिमिट्स में पढ़ते हैं कि जीरो अपॉन जीरो लिमिट्स होता है, इसीलिए कि इस टाइप के फॉर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ पुट किया जाता है एक्स इज इक्वल टू जो भी लिमिट पॉइंट हो, मतलब ये है हमारा लिमिट पॉइंट, क्या है हमारा लिमिट पॉइंट पाई बाई टू, ठीक है, जो भी लिमिट पॉइंट हो दैट माइनस एच। एंड राइट हैंड लिमिट के लिए पुट किया जाता है जो भी लिमिट पॉइंट हो दैट प्लस एच। सो राइट हैंड लिमिट के लिए जब पुट करेंगे तो ये क्या होगा पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। चलो यहां तक समझ आया तो डाल देते हैं एच एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई टू, एच किसको अप्रोच करेगा जीरो को, देखो एक्स को आप पाई बाई टू डाल के देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप क्या डाल देंगे पाई बाई टू, एक्स जब पाई बाई टू को अप्रोच करेगा तो एक्स नियरली क्या हो गया पाई बाई टू, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू से पाई बाई टू कट हो गया, माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एच इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स जब पाई बाई टू होगा तो एच क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन एक्स पाई बाई टू है नहीं, एक्स पाई बाई टू को क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, पाई बाई टू की तरफ जा रहा है, तो एच की वैल्यू छोटी 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 स्मॉलर होती चली जाएगी और एच किसको अप्रोच करेगा जीरो को अप्रोच करेगा, राइट। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x अप्रोचेस टू पाई बाई टू, y अप्रोचेस टू जीरो, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, समझ आए। अब लिमिट हमारी होगी बच्चों लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, तो ये क्या आ गया k cos पाई बाई टू माइनस h अपॉन पाई माइनस टू इंटू, ध्यान दो इधर मैं देख रहा हूँ तुम देख नहीं रहे हो, पाई बाई टू माइनस h। फिजिक्स की प्रदीप है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो क्या करेगा, फिजिक्स वाली मैम ने 200 क्वेश्चन दे दिए, के कॉस पाई बाई टू माइनस, तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच क्या हो जाएगी साइन साइन एच, पाई माइनस टू इंटू, बताओ क्या आएगा यहाँ से, बोलो क्या बन जाएगा बच्चों, ये पाई माइनस पाई प्लस टू एच, ठीक है ये कट हो गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो के साइन एच अपॉन ये साइन एच अपॉन एच। बच्चों साइन एच अपॉन एच क्या होता है, अच्छा एक टू भी था बच्चों एच के बाद, आपने क्लास इलेवेंथ में ये किया था लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है वन के इक्वल। सो बच्चों सेम चीज़ है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच अपॉन एच सेम थिंग, एक्स के जगह एच आ गया, एस इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा के बाई टू इंटू वन, ठीक है के बाई टू इंटू वन, सो के बाई टू वन आंसर, ठीक है बच्चों। एक बात और, ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या होगी,
या राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करते हम, ठीक है, हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कहाँ पर, पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू, पाई बाई टू पे कितनी है, थ्री। और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों पाई बाई टू पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पे तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताओ ज़रा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, के बाई टू, राइट हैंड लिमिट को छोड़ दो, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पे कितनी है, थ्री। तो यहाँ से के क्या आ गया, सिक्स आ, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। ये सब हम करो जल्दी से, ये क्वेश्चन और करो, 27। हाँ देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, करो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो जल्दी से। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, बुक आपके पास होनी चाहिए, टू माइनस टू पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स क्या होगा, टू से स्मॉलर होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, के एक्स स्क्वायर, एक्स को टू डालेंगे तो फोर के आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस, एक्स टू को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो एक्स टू से बड़ा होगा, एक्स अगर टू से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा तो काम इसी से चल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, फोर के, राइट हैंड लिमिट क्या है, थ्री, राइट। सो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, के की वैल्यू थ्री आ गई है। 28 क्वेश्चन, 3/4 आएगी सर, 3/4। ऑल राइट, नाराज मत हो, ये करा गया सर आपने। अरे आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट करके लाएंगे, 27, 28, 29, ठीक है भाई, और इनको भी अगर रिपीट कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो रिपीट, चलो ठीक है।